क्या बात है, सुबह सुबह बारिश का मौसम बना हुआ है, काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है। तो दोस्तों, सुबह सुबह बारिश हो रही है बिल्कुल तगड़ी वाली, देख सकते हैं आप। रात भर में तो फिर भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि आधी रात में तो मैं यहाँ बगल वाले घर में ऊपर छत पे गया हुआ था सुंगर भगाने के लिए, तो उस टाइम तक तो कुछ नहीं था। आधी रात में अभी सुबह सुबह पड़ी है, शायद सुबह से ही लगी पड़ी है ये बारिश। कल रात को जैसे मैं ऊपर गया ना सुंगर भगाने के लिए, तो मुझे दिखा हुआ घग्गू मतलब सांप, ज़्यादा टाइम गया मैं तो उस टाइम तो था ही नहीं, तो जब मैं नीचे आ रहा था ना तो उस टाइम दिखाओ मुझे, काफ़ी लंबा सा था। अभी वीडियो क्लिप डाल दूंगा मैं आपके पास, मैंने वीडियो बना ली थी तो आप देख लेना, बारीक था, बारीक बिल्कुल, पर लंबा था बिल्कुल। अरे भाई साहब, कितना बड़ा है। अच्छा हुआ मैंने तेरे पाँव नहीं रखा, नहीं तो तू मेरे को खा देता। कहाँ जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुरू नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुरू भाई नए वीडियो में शुरुआत करता हूँ। अरे यार, मेरे ना आंदड़े फरके गए यहाँ से हंस हंस के पूछो मत यार। तो चलो दोस्तों, यहाँ हंसी मजाक तो चलती रहेगी, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सारे बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ बिल्कुल टकाटक से। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। मैं आपका अपना दीपू पटवाल स्वागत करता हूँ एक बार फिर से पहाड़ों की इन ऊंची ऊंची चोटियों से, जहाँ की सुबह सुबह काफ़ी प्यारी 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 तो नहीं है पर बारिश पड़ रही है। आपने अभी ब्लॉग की शुरुआत देखी मम्मी के द्वारा। अबे यार, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। इससे होगा ये कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास मेरी वीडियो पहुँच जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना तगड़ा कोहरा लग गया है, चारों तरफ बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे देखिए, हल्के हल्के से ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है, तगड़ा सा कोहरा ऐसा आता है बिल्कुल सुल 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 होले होले। आजकल के नज़ारे इतने प्यारे हो रखे हैं ना, कुछ पूछो मत, ऐसे नज़ारे आपको आजकल रोज़ देखने को मिल सकते हैं। रोज़ बने रहिए मेरी वीडियो में, मैं आपको नज़ारे दिखाता रहूँगा, ठीक है? काटी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। क्या? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज कुछ खास करते हैं। मैं आपका ऋषभ पटवाल स्वागत करता हूँ ऊँची ऊँची चोटियों से। दोस्तों, बारिश होने के कारण आज हम स्कूल नहीं जा पाए, लाल बैंड वहाँ पे इतना फिसने लगे कि परसों साइल भी गिर गया था, वो जड़ेजा की तरह डाई मारी वाले उसने। काठी लोगों ने आज छुट्टी मार दी है, सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से लड़के स्कूल नहीं जा पाए, सारे आज घर में ही हैं। और आजकल ना लैंडस्लाइड का भी डर बना हुआ है, जो रोड है हमारे रोड काफ़ी मतलब कच्ची रोड है हमारी, तो उसमें जो फिसलन है ना वो काफ़ी बनी हुई है। परसों ये साहिल लमसट हो गया था, बोले है साहिल लमसट हो गया था क्या? बिल्कुल, जड़े जोलडा ही मारे साहिल। साहिल जैसे ही गिरा बल वैसे उसने जड़ेजा वाली डाई मार दी, जैसे जड़ेजा नहीं मारता बिल्कुल कैच पकड़ता तगड़ी वाली, ऐसे किया साहिल ने। ओहो, बाहर लगी छी क्या? अरे बाहर छही यार, कि वेल बांदर परेशान कया छी, मुगिर बुखाई देखी के करा को ओए सिया में दुई आशा में तोड़ दी। ओए बरका में डूड़ देण के, बरका में डूड़ देण। ओ आता यूं था तक क्या कनी छू अयम बढ़िया खाने तो सब लुक जानो, चार सब बढ़िया खाने तो लुक जानो। हेलो फाटल गया हम वे मम जब ना डालू माता जी, एक बड़े रास्ता नहीं वो जाने के पूरी। हां हां हां, है गौतम दगड़? मी दगड़वा साधना।
साथ में खोली रहो वाले गुणे बांध रहे गुणे वो खर मेरे पास वक जार मिल ये था को हाँ बढ़िया बढ़िया लगे आ रहा क्या कान ड्यूट दीनी थी हाँ ड्यूट दिया अल पर क्या बनाई पार्टी हाँ क्या जान दे हाँ अरे ये कॉल लुक जानी हाँ वही था नहीं देखे उन्होंने अभी बंदरों को क्या किया जाए बारिश में भी परेशान भाई बारिश में भी इनको चैन नहीं है खेती का नुकसान कर रहे हैं और सबकी ड्यूटी लगी है जिसकी ड्यूटी चाहे बारिश हो नहीं भी हो बारिश तब भी ड्यूटी देनी है कंपलसरी है तो यार क्या नियम है हैं तो हमने अभी अभी अखरोट खाए हमारे हमारे हाथ एकदम काले पड़ चुके हैं अखरोट से जो हरा हरा रस नहीं निकलता उसके वजह से हमारे पूरे हाथ काले हो चुके हैं। मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ साहिल के बारे में है वो साहिल में मारता का मुंह घसीटता जाता हूँ ऐसे घसीटूंगा ऐसे घसीटूंगा कि ऐसे घसीटूंगा कि इसका पीठ ऐसे चिचुड़ाई जाएगी कि जैसे बाघ ने पंजा मारा होगा। दोस्तों आपको मेरा डायलॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे कमेंट करे। तो कुकी कैसा लग रहा है ना आके कुकी नाराज हो गया रोशन देखो कांप रहा है कैसे दोनों को नहला दिया मैंने टर्न करके चमक रहे हैं तुम्हारा ही फायदा है मेरा कोई फायदा नहीं है तुम पे। यहाँ देखो रोशन को रोशन ठंड लग रही है कोई बात नहीं अभी सूख जाएगा फिर भागेगा भाई साहब चिरोड़ दिया था इसने कोके यहाँ देखो कुकी को चलाओ फिर कुकी खाना नहीं खाएगा आजा। तो दोस्तों अभी लंच का टाइम हो गया है फिलहाल लंच करते हैं क्या बना होगा देखते हैं। भात क्या बना आज ये रही राई की सब्जी और भात साथ में ये भी है आज का हरी मिर्च अपनी खेती की। हाँ तो सो दोस्तों लंच टू बी कंप्लीटेड तो अभी अपना लंच भी हो गया है अभी यहाँ देख सकते हैं आप आजकल मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ ज़्यादातर मैं क्लीन सेप रहता हूँ पर मुझे कुछ लगा मैंने कहा यार बढ़ाते हैं देखते हैं एक बार लुक कैसा लगता है तो ठीक ठाक ही लग रहा है शायद अभी। तो अभी हमने खाना खाया मम्मी भी बर्तन धो रही है आवाज़ आ रही होगी पीछे से है ना। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर आराम करते हैं तो मिलता हूँ मैं आप सभी को आराम करने के बाद शाम को ट्रैक पे। ब्लॉक से एक टीम अभी हमारे गांव में आई हुई है दोपहर 2-3 बजे लगभग आ गई थी और पूरे क्या बोलते हैं कि हमारे पूरी ग्राम सभा के लोग भी इकट्ठे हो रखे हैं मीटिंग है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं शायद कुछ को क्या बोलते हैं कि किसान पेंशन को लेकर शायद जब तक मोटा मोटा मुझे पता चला है शायद उस लिए ही आए हुए हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने ट्रैक पे। मैं देखिए एक घुघुती मिली हुई है अभी ये उड़ नहीं पा रही है पता नहीं क्या है पंख में चोट होगी शायद अरे भाई यही उड़ पा रही है बस इतना ही अपना कुकी तो डॉक्टर बन चुका है जब तक कुघुती हमारे हाथ में थी ना उस टाइम तक तो वो हिल भी नहीं पा रही थी मतलब कुछ कर ही नहीं रही थी हम नीचे भी रख रहे थे उससे तो उड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। जैसे ही वो हाथ से छूटी और कुकी के आगे गई कुकी ने ऐसा झपटा मारा सीधे उड़ के चली गई नीचे। तो ऐसा है एक चीज़ बढ़िया भी हो गई पर अगर हाथ में आ जाता ना कुकी के तो कुकी फिर उसका बना देता ढंग से। हेलो दोस्तों और हमारी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम रिहर्सल करने जाएंगे तो वहाँ जो भी एक्टिविटीज होंगी हम वो आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों मेरा नाम है दीपांशु पटवाल हम अभी रनिंग करके आए हैं हम जैसे ही ऊपर गए तो हमें पता चला कि आज की छुट्टी है तो रिहर्सल आज नहीं होगी जो भी हम अभी करेंगे तो वो हम अभी आपको बताएंगे। फिलहाल कोई एक्टिविटीज़ तो हुई नहीं पर दिखाना क्या था ये मैंने समोसे मंगाए थे बीरोखाल से अनूप भाई से अनूप भाई गए थे बीरोखाल पनीर भी मंगाई थी यार मैंने कहा आज कुछ स्पेशल बनाते हैं पनीर खाने का मन था पर आजकल यहाँ पर रोड टूटी हुई है ना तो क्या बोलते हैं ट्रक वगैरह बस वगैरह इधर उधर आर पार नहीं हो रही है उस वजह से बल दुकान में भी सामान कम था वहाँ मतलब पनीर नहीं मिली कुल मिला के। अब पहुँच गए हैं घर में फिलहाल आग वाग जगाते हैं यहाँ पर कुकी सेठ कुकी
तो फिलहाल आज कुछ खास तो हुआ नहीं, कामकाज। ये कपड़े रखे हुए थे सुखाने के लिए, कल के धोए हुए कपड़े हैं और आज सूख रहे हैं। अभी भी सूखे नहीं है, हल्के हल्का गीलापन है ही, क्योंकि दिन में तो 10 बार तो बारिश पड़ जा रही है, तो सूखेंगे भी कहाँ से। आज ब्लॉक से एक टीम भी आई हुई थी गांव में, क्या बोलते हैं कि ज़मीन वगैरह का कुछ लेके, पता नहीं क्या चल रहा था। मैं तो लेट आया वहाँ से नीचे रनिंग करके, पर फिर भी ऊपर मीटिंग चल रही थी थोड़ा बहुत, तो अभी घर पे आ गए हैं। तो चलिए फिर, यही थी आज की छोटी सी वीडियो, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।